तो जॉन सीना ने एक बार फिर से बात प्रूव कर दी क्या वो रीजन है भाई फ्रेंचाइज प्लेयर है और वो क्यों WWE वालों के लिए बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बस आज से कुछ दिन बाद एक बार फिर से हमारे चैंपियन जॉन सीना WWE के अंदर वापस आने वाले। और भाई जॉन सीना ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये बता दी क्या वो रीजन है, उनके नाम का बोलबाला चलता है WWE में, क्योंकि जो टिकट सेलिंग का नंबर है सामने उस वाले मंडे नाइट रॉ एडिशन का वो सीरियसली काफी इनसेन है। शेमस ने रिसेंट टाइम में बात तो टीज कर दी कि वो WWE के अंदर काफी जल्दी पार्ट टाइमर बनते हुए नजर आएंगे। कोडी रोड्स पहली बार स्पॉट किए गए अपनी सर्जरी के बाद, लेकिन इस बार उनके हाथ में प्लास्टर है। एजे स्टाइल्स आउट ऑफ नोवेयर आ चुके हैं स्लैमी एनिवर्सरी के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर, जहां पर वो आके ट्रिब्यूट देते हुए नजर आते हैं इंपैक्ट को। प्लस ब्रॉक लेसनर बनने वाले अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ऐसा मैंने बल्कि ऐसा बेटिंग ऑड्स किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को एक बुरी खबर के साथ में। बुरी खबर ये कि WWE के एक जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय या फिर जो एक लॉन्ग टर्म रेफरी है उनका रिसेंट टाइम में डेथ हो चुकी है। उनका नाम टिम व्हाइट है, काफी सारे लोगों को ऑलरेडी के बारे में पता लग गया होगा। टिम व्हाइट जिन्होंने अंडर द जायंट की पूरी कहानी के अंदर पूरी स्टोरी के अंदर उस टाइम काफी अच्छा रोल प्ले किया था, उनका अंडर द जायंट के साथ में एक अलग से रोल भी था और वो WWE के अंदर रेफरी का काम भी किया करते थे। लेकिन इस रिसेंट टाइम में पास अवे हो चुके WWE सुपरस्टार्स ने सभी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया जो 68 की एज के ऊपर पास अवे हो चुके हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में जुड़ी है। अब बात अगर मैं एजे स्टाइल्स के बारे में करूं तो भाई अचानक से रिसेंट टाइम में स्लैमी एनिवर्सरी जो कि इंपैक्ट रेसलिंग का PPV या फिर कहो प्रीमियम लाइव इवेंट वो होता हुआ नजर आता है और यहाँ पर मेरे हिसाब से 20 साल होने को है धीरे धीरे करके इंपैक्ट रेसलिंग को। तो यहाँ पर द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का एक वीडियो पैकेज शो होता हुआ नजर आता है जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर एजे स्टाइल्स आते हैं बात करते हैं अपने इंपैक्ट रेसलिंग के पूरे करियर के बारे में और साथ ही में WWE को थैंक यू कहते हुए नजर आते, कहते हैं भाई WWE वालों को पता था ये जो स्लैमी एनिवर्सरी को लेकर ट्रिब्यूट है मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या फिर कितना ज्यादा वैल्यू करता है एक्चुअल में एजे स्टाइल्स के लिए। प्लस यहाँ पर एजे स्टाइल्स बात करते हैं पूरे उनके इंपैक्ट रेसलिंग के करियर के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में, जब उनका मैच हुआ था सामोज और क्रिस्टोफर डैनियल के साथ में, उनके हिसाब से जो मैच है ना उनका वो एक्चुअल में पूरे तरीके से करियर बदल के रख देता है। वो कहते हैं हो सकता है इंपैक्ट रेसलिंग के बिना जो एजे स्टाइल्स वो एग्जिस्ट करता है, जो इंपैक्ट रेसलिंग के बिना जो एजे स्टाइल्स वो फिनोमिनल भी होता, लेकिन शायद वो कितना फिनोमिनल होता है इसका किसी को भाई आइडिया नहीं है। इसलिए जो एजे स्टाइल्स जो थैंक यू इंपैक्ट रेसलिंग का कहना चाहेंगे और एक बार फिर से WWE का मेंशन करते हैं कि भाई WWE वालों के लिए थैंक यू ये अलाउ कि उन्होंने एजे स्टाइल्स की इस पूरी ट्रिब्यूट वीडियो के लिए। वैसे फैंस काफी सरप्राइज है, लेकिन हाँ जो इंपैक्ट वाले हैं उन्होंने पहले WWE वालों के साथ में कोलैब एक तरह का किया हुआ है, लेकिन हमें याद है भाई रॉयल रंबल के अंदर माइकी जेम्स आती हुई नजर आई थी। तो कुछ इस वे में जो एजे स्टाइल्स रिसेंट टाइम इंपैक्ट रेसलिंग में शो अप होते हुए नजर आते हैं एक वीडियो पैकेज के थ्रू जो कि काफी सारे फैंस के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। और बात अगर मैं कोडी रोड्स के बारे में करूं, रिसेंट टाइम में उन्होंने अपनी सर्जरी करवा ली थी और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू एक अपडेट भी दी थी, धीरे धीरे करके उनकी चीजें ठीक तो हो रही, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल में इंजरी टाइप थी या फिर जो ब्लड था उनकी रिब्स वगैरह के अंदर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंट टाइम में जो कोडी रोड्स हैं वो स्पॉट भी किए जाते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में प्लास्टर टाइप से बंधा हुआ है। वो जो फोटो आई है सामने वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर जो कोडी रोड्स है करंटली भाई जिस हाथ में उन्होंने सर्जरी कराई है उसमें आप पूरा प्लास्टर वगैरह देख पा रहे हो और वो पे करूंगा जो कोडी रोड्स है काफी जल्दी एक बार फिर से रिकवर करते हुए नजर। वैसे बताया जा रहा है जो कोडी रोड्स की वाली इंजरी है WWE से ट्रिपल एच की इंजरी से कंपेयर कर रही है, जो कि उन्हें आज से काफी साल पहले हुई थी और ट्रिपल एच ने काफी जल्दी रिकवर कर लिया था। तो WWE की उम्मीद है जो कोडी रोड्स है वो भी ट्रिपल एच की तरह जल्दी रिकवर करते हुए नजर आएंगे। और एक बार फिर से मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कोडी रोड्स को उनकी एक बार फिर से हेल्थ रिकवरी के लिए और उम्मीद करूंगा यार काफी जल्दी एक बार फिर से WWE में वापस आ जाए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार केल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंट टाइम में शेमस ने बात कंफर्म की थी कि WWE के अंदर वो ऑलमोस्ट 13 साल और कंपीट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज शेमस का भैया कहना यह है कि मैं भी WWE के अंदर 13 साल कंपीट तो करेंगे, लेकिन हो सकता है WWE के अंदर एक पार्ट टाइम सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। शेमस का होता है रिसेंट टाइम में इंटरव्यू, इस वाले इंटरव्यू के अंदर शेमस बताते हैं कि आने वाले 13 साल के अंदर या फिर जितना भी उनका करियर बाकी WWE में, वो कहते हैं चीजें फ्रेश रहे, चीजें बोरिंग ना हो जाए, फिर चीजें एक तरह की ऑफिस की तरह ना जाए, भाई रिपीट चीजें शेमस हमें करते हुए नजर आए। तो जो शेमस आने वाले टाइम में चीजों को फ्रेश रखने का ट्राई करेंगे, इसलिए शेमस के हिसाब से उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें कुछ महीने जाके एक्टिंग करनी चाहिए, मूवीज शूट करनी चाहिए और कुछ महीने आके WWE के अंदर कम्पीट करना चाहिए। शेमस कहते हैं मुझे टेलीविजन के ऊपर सामने रहना, कैमरा के ऊपर रहना काफी ज्यादा पसंद आता है। अब नो मैटर वो रेसलिंग रिंग के अंदर है, वो बैच प्रोमो के अंदर, वो एक नॉर्मल प्रोमो के अंदर, वो एक टीवी शो के ऊपर, वो एक मूवी के ऊपर है, शेमस को पसंद है भाई कैमरे के सामने परफॉर्म करना, अब चाहे वो किसी भी रोल में हो। इसलिए यहाँ पर शेमस का मानना है चीजों को फ्रेश रखने के लिए इन फ्यूचर, ताकि वो बोर बिल्कुल ना हो जाए इस प्रोफेशनल रेसलिंग से, उनके हिसाब से पहले उन्हें कुछ महीने जाना चाहिए मूवीज के अंदर, फिर यानी कि एक तरह का ये कह सकते हैं भाई 6 महीना मूवी और 6 महीना रेसलिंग, ऐसा कुछ कहना है हमारे केल्टिक वॉरियर शेमस का। लेट्स सी आने वाले टाइम में कब तक की सारी चीजें होती हुई नजर आती। शेमस ने कंफर्म तो नहीं किया कि भाई वो एक्चुअल मूवीज करेंगे या फिर नहीं, लेकिन शेमस ने इस बात को टीज कर दिया कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है मूवीज को करने के लिए, और हो सकता है मे बी शेमस भी इन फ्यूचर पार्ट टाइम सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है एक टाइम आने वाला टाइम आएगा जब शेमस, रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, चलो
ऑलरेडी पार्ट टाइमर है, रोमन भी चलो ऑलरेडी बनी चुके हैं ना, लेकिन सारे सुपरस्टार फिन बैलर हो गए, एजे स्टार्स हो गए, मिज हो गए, भाई जब ये पार्ट टाइमर बन जाएंगे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने लायक बचेगा क्या। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जो कि हमारे फ्यूचर में बन सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं कॉबॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। एक बार फिर से समर स्लैम 2022 के अंदर एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में, अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद रोमन रेंज इस बार अपनी टाइटल हार भी सकते हैं और हो सकता है भैया सेथ रॉलिंस एमआईटी भी कैश इन भी करते हुए नजर आए। अब लग ऐसा है रिसेंट टाइम में ऑड्स का भैया यही सेम चीज कहना कि जो हमारे ब्रॉक है वो न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। रिसेंट टाइम में बेटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। ये ऑड्स है अगले चैंपियन बनने के, कौन सा बन सकता है अगला बंदा यूनिवर्सल चैंपियन या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और नंबर वन के ऊपर जो नाम आया सामने वो ऑफकोर्स हमारे बीस्ट इनकार्नेट कॉबॉय ब्रॉक लेसनर का है। नंबर सेकंड के ऊपर ड्रू मैकइंटायर है जो कि प्रोबेबली क्लैश एट द कैसल के अंदर इस वाले पूरे फ्यूड में होंगे। फिर कोडी का जो कि इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, रैंडी ऑर्टन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, द रॉक जल्दी वापस आने नहीं वाले हैं। बात रही सेथ रॉलिंस के बारे में, मेरे हिसाब से अगर वो एमआईटीवी जीते इस लिस्ट में काफी जल्दी उनका ऊपर नाम आता हुआ नजर आएगा। रिडल को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, वो फेल हो चुके हैं। और बात रही थी बॉबी लैशली के बारे में, देखो भाई कब बॉबी लैशली के पास में वन डिस्प्यूटेड टाइटल आते हुए नजर आते, लेकिन यस करंटली बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी जो हमारे ब्रॉक लेसनर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा अगर आप विंस मैकमैन या फिर स्टीफन मैकमैन होते, आपके पास पावर होती भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी भी बंदे को अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाने की, आप किसे चूज करते इस पूरी लिस्ट में से? क्या ब्रॉक को चूज करते, क्या सेथ को, क्या रिडल को, क्या ड्रू मैकइंटायर को, बॉबी लैशली को? अपना जो ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं भाई कौन सा बंदा किसका एक्चुअल में तगड़ा वाला है फिर जबरा वाला फैन है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सीनेशन लीडर 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। एक बार फिर से जॉन सीना की फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी जल्दी वापसी होने वाली है। इंडिया के अंदर जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन होने वाला है वो 28 जून को होगा। ऑफकोर्स भाई 28 तारीख को जो जॉन सीना के फैंस हैं इंडिया में मिठाइयां बांटते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बार फिर से इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की जो टिकट सेलिंग है वो आ चुकी है सामने। आगे जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी भाई टिकट सेलिंग कितनी है, तो जॉन सीना ने ऑलमोस्ट 1300 के आसपास अलग से जो टिकट है वो सोल्ड आउट कर दी थी, लेकिन जो अब एक्चुअल नंबर आया सामने सुनकर आप लोग काफी सरप्राइज हो जाओगे। जो रिसेंट टाइम रिपोर्ट है ऑफकोर्स हमें रिजल्ट टिक्स रिवील करता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर भाई पूरी डिटेल वगैरह लिखे कि लेडी डो टेक्सास के अंदर ये वाला जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो भी होता हुआ नजर आएगा जो कि 27 जून यानी कि इंडिया के अंदर 28 तारीख को होगा। और जो करेंटली अवेलेबल टिकट सिर्फ बाकी रह गई है वो 650 के आसपास की है। जो टोटल कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अवेलेबल की थी वो 6844 के आसपास की है, और जो जॉन सीना ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वो ऑलमोस्ट 6200 यानी कि 6194 के आसपास की है। अब ये कुछ टिकट सेलिंग का नंबर आया सामने, लेकिन जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि जॉन सीना एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाले, तब से लेकर अब तक करीबन 2500 के आसपास जो टिकट्स हैं वो जॉन सीना ने सोल्ड आउट कर दिए। 2470 के आसपास जो नंबर एक्चुअल में यानी कि 2468 के आसपास जो नंबर है वो यहां पर आया सामने कि भाई इसके अराउंड जब से जॉन सीना की अनाउंसमेंट हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने टिकट सोल्ड आउट कर दिए। एंड ऑफ कोर्स ये बात है भाई जॉन सीना यहां पर इतना बड़ा फैक्टर है, और 2500 या फिर कह लो मैं तो कह रहा हूं 3000 के आसपास जो टिकट से बिकती हुई नजर आएगी। ये जो बची कुची टिकट्स है ना, जब तक पूरा एक हफ्ते या फिर कह लो 7 से 8 दिन बाकी है पूरे मंडे नाइट रॉक एडिशन के, तब तक मेरे हिसाब से जो 650 टिकट्स अवेलेबल ये भी बिक जाएंगी। और भाई जॉन सीना एक बार फिर से ये बात प्रूव कर रहे क्या वो रीजन है, वो एक फ्रेंचाइज प्लेयर है, क्या वो रीजन है जॉन सीना इस पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन माने जाते हैं। अब जॉन सीना आ रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, मैं कह रहा हूं नोटिस छपाई होने वाली है। अब जॉन सीना वापस तो आ रहे हैं मंडे नाइट रॉक एडिशन के अंदर, उसके बाद भी वो कंपीट करेंगे एक बार फिर से मर्चेंडाइज सेलिंग करने वाले एकदम टॉप नंबर की। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास तो फायदा ही फायदा है, लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब एक बार फिर से जॉन सीना ने बात प्रूव कर दी है, क्या वो रीजन है उनके पास इतनी बड़ी पावर है, फिर क्या वो रीजन है उनका नाम या फिर कह रहा बोल बाला चलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।